फिर ट्रांजिशन करना चाहते हैं शॉर्ट्स के दो भागों के बीच कुछ इस तरह, तो अलाइन फीचर इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने के लिए पहले आप एक भाग रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद अपना बैकग्राउंड चेंज करें या नए लुक में चेंज हो जाए। कैमरा के अंदर राइट साइड पर अलाइन ऑप्शन पर क्लिक करें, ये आपको पिछले फ्रेम का ट्रांसपेरेंट व्यू देगा। इससे आप अपने अगले शॉट के लिए लाइन कर सकते हैं पिछले शॉट की तरह। अगर आप रिजल्ट से खुश हैं तो नेक्स्ट दबाइए और उसको आपके सामने सच होते हुए देखिए। है ना कितना आसान। अब इसे याद रखिए और अपने अगले शॉट में जरूर इस्तेमाल कीजिए।